plus a square minus b square 2ab minus 2b 2ab 1 minus a square plus b square 2a यहाँ पे 2b minus 2a 1 minus a square minus b square। चलो पहले क्या करते हैं, r1 tends to r1 plus br3, मतलब तीसरी रो को मैं b से मल्टीप्लाई करता हूँ और किस में ऐड करूँगा, फर्स्ट में। तो क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैं b से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर होगा क्योंकि प्लस करना है, बराबर। यहाँ पे 2ab तो है ही, बराबर, प्लस करूँगा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ पे क्या होगा 2ab होगा, सेम यहाँ पे माइनस 2b है, बराबर, प्लस करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब हो गया, b से मल्टीप्लाई किया तो। चलो अभी दूसरा सेम रहेगा, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2b, यहाँ पे माइनस 2a, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर बचेगा, 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर। चलो अभी क्या होगा, सब में से मैं b कॉमन निकाल दूँ, माइनस बी कॉमन निकाल देता हूँ, माइनस बी कॉमन निकाल दो तो क्या रहेगा, यहाँ पे टू बचेगा, टू बचेगा ओनली, बराबर। एक काम करते हैं, पहले माइनस टू बी प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी बचेगा ना, तो मैं माइनस बी कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस टू बी प्लस बी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि माइनस बी होगा माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब, ऐसा है, माइनस बी मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बचेगा, सॉरी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर बचेगा, हो गया। यहाँ पे 2ab, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2b, यहाँ पे माइनस 2a, और यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम रहेगा, हो गया, बराबर। चलो अभी क्या करेंगे, किसको, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर माइनस करेंगे तो क्या होगा, आर टू टेंस टू आर टू माइनस ए आर थ्री, बराबर। चलो तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे माइनस बी बाहर निकाला था, वन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। आर टू में लाना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ए से, तो यहाँ पे टू ए बी माइनस टू ए बी होगा, बराबर, सेम वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो था, यहाँ पे क्या करना है, मुझे माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर, सेम यहाँ पे क्या है, टू ए है, बराबर, बीच में क्या करना है, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, हो गया, हो गया। यहाँ पे टू बी, यहाँ पे माइनस टू ए, और वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम, हो गया। चलो अभी क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ज़ीरो, और यहाँ पे माइनस बी रखा है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया। टू ए बी माइनस टू ए बी क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे देखो, माइनस ए स्क्वायर में से टू ए स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे टू ए में से ए जाएगा तो ए बचेगा, बराबर, सब में से ए कॉमन निकाल दो, बराबर, टू ए में से ए जाएगा तो ए कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया। चलो टू बी माइनस टू ए, और यहाँ पे वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों रो में से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे ए, यहाँ पे टू बी, यहाँ पे माइनस टू ए, और यहाँ पे वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसका क्या करेंगे, प्लस माइनस,
प्लस प्लस माइनस प्लस सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा क्यू वर्ग। हाँ इसमें से भी कॉमन निकाला, इसमें से भी कॉमन निकाला, नहीं दोनों में सेम टर्म है ना तो एक। हाँ हाँ सॉरी सुनो, अभी इसमें से प्लस माइनस प्लस करेंगे तो हमारा आंसर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, और ये आपका।